हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही अच्छा दिन है, क्लाउडी वेदर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल पुष्पांजलि नर्सरी अशोक। लास्ट वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उसके लिए थैंक यू। ये वीडियो हम जैसे लास्ट वीडियो में बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा ब्लू और ब्लैक रोजेस के ऊपर होगा, तो दोनों का मैं आज कुछ फ्लावर्स आपको दिखाऊंगी जो ब्लैक ब्लू के अंडर आते हैं। पर ऐसा मत सोचिए कि ब्लैक मतलब प्योर ब्लैकिश कलर का होगा या ब्लू मतलब प्योर ब्लू कलर का होगा। तो जो अच्छे अच्छे वैराइटीज़ है वो मैं आज कवर करूंगी और कुछ डिटेल्स उसके बारे में आज बताऊंगी। तो चलिए हमारा वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट वैराइटी मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ वो है अमेरिकन होम। अभी जो भी हम दिखाएंगे पहले ब्लैक कैटेगरी के फ्लावर्स मैं आपको दिखाऊंगी। ये है अमेरिकन होम, ये HT है हाइब्रिड टी, और ये जैक्सन एंड पार्किंग्स कंपनी का है। इसका जो बर्ड आप देख रहे हैं वो ओवॉइड शेप का है। ओवॉइड मतलब जो भारी जो शेप है वो नीचे रहेगा, वो एक शेप हो जाएगा, वो उसको हम लोग ओवॉइड बर्ड बोलते हैं। और देख रहे हैं कैसे ये ब्लैकिश कलर का बर्ड आपको दिखेगा। ये ब्लूम हो चुका है, ये कप शेप ब्लूम होता है, ये ब्लूम हो चुका है कम्प्लीटली, इसलिए वो ब्लैकिश नेचर अभी वो हट चुका है ब्लैकिश नेचर ये। और एक मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें आपको वो ब्लैकिश टेक्सचर दिखेगा, देखिए। और जैसे और विंटर होता है वो ब्लैकिश आ जाता है। ये था हमारा अमेरिकन होम, वेरी वेरी फेमस वैरायटी HT ब्लैक लेडी। ये आई थिंक अभी तक सबको पता होगा, ब्लैक लेडी बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है, अच्छा सेंटेड फ्लावर है। और एक चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन कट फ्लावर वैरायटी भी है। इसका ब्लैक बर्ड, ये भी हमारे ब्लैक कलर के कैटेगरी के अंडर ही आते हैं। आप देख सकते हैं उसका कैसा ब्लैकिश टेक्सचर आ गया है, बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर के अंडर ये आता है ब्लैक लेडी। ये बहुत ही फेमस हम लोग का ब्लैक बकारा, बोल सकते हैं किंग ऑफ ऑल ब्लैक रोजेस। ब्लैक बकारा हाइब्रिड टी है और विथ नो फ्रेग्रेंस एक्चुअली, और इनका बहुत ही हाई सेंटर ब्लूम होता है। ये फर्स्ट 2000 में ब्रेक किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में ब्लैक बकारा। इनका पेरेंट प्लांट्स है सेलिका और फ्यूगो नेक ग्रो। ये है ब्लैक पर्ल, ये बहुत ही फेमस रोज है। इसका टेक्सचर वेलवेटी होता है, आप देख ही सकते हैं कैसा ब्लैकिश टेक्सचर में ये फॉर्म ये ओपन हो रहा है। ये फुल ब्लूम होता है और इसका पेरेंट प्लांट है पापा मेलन। पापा मेलन भी बहुत ही फेमस वैरायटी है और इसका ब्लैकिश टेक्सचर देखिए। ये बहुत ही अच्छा कट फ्लावर वैरायटी भी है और इसका माइल्ड फ्रेग्रेंस होता है, ये ज़्यादा सेंटर्ड नहीं होते, पर कट फ्लावर वैरायटी बहुत ही अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट ब्लैकिश वैरायटी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उसका नाम है स्कारलेट नाइट। स्कारलेट नाइट भी एक HT वैरायटी है, ये ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1967 में एज सामुराई। सामुराई भी एक वैरायटी है, पर बाद में फिर से 1967 में वो यूनाइटेड स्टेट्स में स्कारलेट नाइट के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया।
ये एचटी हम लोग बोलते हैं, पर ये एक्चुअली ग्रैंडी फ्लोरा है। कैसे देख रहे हैं, रूबी रेड कलर का होता है। 25 टू 30 पेटल्स होंगे और ये कप शेप के फॉर्म में ये ब्लूम करता है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये कप शेप में है और ये अपराइट पोजीशन में है। ये था हमारा स्कारलेट नाइट। ये जर्मनी का एक एचटी वैरायटी स्क्वाल्स मैडोना, ये 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये डार्क रेड कलर, वेलवेटी टेक्सचर, ये भी हमारा ब्लैक कैटेगरी के अंडर आता है। स्क्वाल्स मैडोना ये माइल्ड फ्रेग्रेंस हो सकता है, नेवी हो सकता है, और ये बुशी फॉर्म में ये ग्रो करता है और ये भी अपराइट पोजिशन में ज्यादा ये ब्लूम करता है। आपको हम फिर से बताते हैं कि ब्लैक मतलब प्योर ब्लैक नहीं होता है। यही जो ब्लैक टेक्सचर है, इसीलिए हम इसको हम लोग ब्लैक कैटेगरी के अंडर डालते हैं। ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्लैक है। ये अभी तक जो आपको हम दिखाए वो एचटी ग्रुप के अंडर था। अभी ब्लैक कलर में मैं आपको मिनी वैरायटीज दिखाऊंगी। मिनी में फर्स्ट है ब्लैक जेल, देखिए, और मिनी मतलब मिनिएचर ब्लैक जेल। ये बहुत ही डार्क रेड कलर का होता है और वेलवेट टेक्सचर, बुशी फॉर्म में है, और ये सन के अंदर में बहुत डार्क रेड लगेगा, जो कि ये ब्लैकिश टेक्सचर भी आ गया इसका। और पता ही आपको मिनिएचर है तो फ्लावर्स के साइज भी छोटे ही होंगे, ज्यादा बड़े नहीं है। ये है अनादर मिनिएचर वैरायटी टॉप सीक्रेट। ये 1971 यूनाइटेड स्टेट्स में इंट्रोड्यूस हुआ था एज टॉप सीक्रेट। ये क्योंकि ये मिनिएचर है तो आप देख सकते हैं ये बुशी फॉर्म में होगा और इसके जो फ्लावर साइज भी वो भी बहुत छोटे होंगे। और इसका ब्लैक टेक्सचर जो हमारे ब्लैक कैटेगरी के अंदर रहता है टॉप सीक्रेट। ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है, आप बहुत ही सुंदर भी है, कैसे क्लस्टर्स में हो रहे आप देख ही सकते हैं। ये एक टॉप सीक्रेट वैरायटी और उसके बगल में है ब्लैक जेट, जो हमने आपको थोड़े इसके पहले जो आपको दिखाया था ब्लैक जेट टॉप सीक्रेट, दोनों ही मिनिएचर वैरायटी है। न्यू ब्लैक डिलाइट हाइब्रिड टी, ये भी बता दे कि न्यू ब्लैक डिलाइट अब्राकाडाब्रा का पेरेंट ब्रांड है। न्यू ब्लैक डिलाइट का ही स्पॉट अब्राकाडाब्रा है।